भाई यहाँ 3-4 का स्टाफ होता है, तो उस राइड को भी कवर करना पड़ता है, इस लाइट को भी कवर करना पड़ता है। इसका मतलब स्टाफ की कमी है? स्टाफ की कमी नहीं है। आप बता के जाए बंद करने का प्रावधान, क्योंकि पिट में इतनी गाड़ियां पहले से ऑलरेडी जमा होती है। ये देखो ना, अगर अवैध तरीके से कोई गाड़ी घुसती है दिल्ली में, इतनी जगह नहीं होती कि इनको बंद कर करके भर दें, वो पहले से भरी पड़ी है इन ई रिक्शा के। बिल्कुल पहले नहीं थी। दिल्ली के अंदर सारे काम होते हैं सर, पैसा होना चाहिए जेब में, सारे काम होते हैं मंथली से, सारा काम चल रहे हैं। जय हिंद जय भारत, और आप सभी का स्वागत करूँगा आपके अपने चैनल CGN न्यूज 24 के अंदर। मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला मौजूद हूँ इस समय मैं भारत की राजधानी दिल्ली के। हालांकि दिल्ली के अंदर यूँ तो जाम की समस्या आए दिन लगती है, लेकिन कुछ एक समस्या जाम की लगवाई भी जाती है, उसका जीता जागता उदाहरण आपको दिखाऊंगा। रिठाला मेट्रो स्टेशन है, देखो यहाँ पे ये, अगर ध्यान से देखोगे ये रिठाला मेट्रो स्टेशन है, और यहाँ पर आए दिन जाम लगता है यहाँ पर रिक्शे वालों की तरफ से। आ जाओ मेरे साथ, अब देखो एक लंबी लाइन में एक तरफ रिक्शे वाले इस तरफ खड़े होंगे ये भाई, और एक लाइन में उस तरफ रिक्शे वाले खड़े हैं सारे, और जिसको लेके यहाँ पे आए दिन यहाँ पे जो है जाम की स्थिति बनी होती है। और अलग अलग जगह पे आपने देखा होगा कि यहाँ पर पुलिस वाले भी कहीं जगह देखे होंगे आपने कि अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई है तो आपका चालान हो जाएगा, आपने हेलमेट नहीं लगाया तो आपका चालान हो जाएगा, आपके पास गाड़ी के कागज़ नहीं है तो आपका चालान हो जाएगा। और इन चीज़ों को करने के लिए आपको, आ जाओ आगे मेरे साथ आओ यार, ट्रैफिक पुलिस जगह जगह आपको तैनात मिल जाएगी कि अगर आपने हेलमेट नहीं लगाया तो उसको चालान करने के लिए ट्रैफिक पुलिस मिल जाएगी, हेलमेट नहीं लगाया तो ट्रैफिक पुलिस मिल जाएगी। लेकिन इस ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए कोई भी यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं है, और आए दिन, ये कोई आज की एक दिन की नहीं बता रहा मैं आपको, आए दिन इस तरह का जो है सीन देखने को मिलता है कि रिठाला मेट्रो स्टेशन के ऊपर यहाँ पर आए दिन यहाँ पर जाम लगा रहेगा, और ये रिक्शे वालों की वजह से सच मायने में। जबकि ट्रैफिक पुलिस वाले को चाहिए कि यहाँ पर वो खड़ा हो और इस ट्रैफिक व्यवस्था को यहाँ पर कंट्रोल करे। और अभी यहाँ पर मैंने देखा भी था कि एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी महिला कर्मी यहाँ पर थी, अब वो मीडिया का कैमरा देख के भाग गई या किस चीज़ को देख के भाग गई, लेकिन फिर भी प्रयास करूँगा अगर वो मुझे मिलेगी थोड़ा आगे चल करके उनसे बात करूँगा कि वो वहाँ पर जा करके जो हेलमेट नहीं लगा रखा उसका चालान काटने के लिए वो खड़े हैं, किसी के पास गाड़ी का कागज़ नहीं है उसका चालान काटने के लिए वहाँ पर खड़े हैं, लेकिन यहाँ पर जो ट्रैफिक की व्यवस्था संभालनी चाहिए उसको संभालने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। फिर भी मैं चाहूँगा एक बार रोक के देखूंगा कि वो कहाँ गई, क्योंकि यहाँ पे अभी एक लेडी ट्रैफिक कांस्टेबल यहाँ पर खड़ी थी, लेकिन हम लोगों को देख के जैसे हम लोगों ने कैमरा चालू किया तुरंत भाग गई है वो। आओ मेरे सर, मैं दिखाऊंगा आपको। मैडम नमस्कार, क्या नाम है मैडम आपका? अनीता। तो मैडम आपके सामने इतना यहाँ पे अवैध तरीके से रिक्शे लगे हैं, उधर ट्रैफिक जाम हो रखा है और आप यहाँ पे खड़े हो, बताओ। हम चालान कर रहे हैं। किस चीज़ का? इम्प्रॉपर पार्किंग की। इम्प्रॉपर पार्किंग। और यहाँ पर देखो कितना जाम लगा पड़ा है, वहाँ पर वो छोड़ दिया आपने, अभी आप वहीं पे खड़े थे ना चौराहे पे, आप मेरी बात चालान करे हमने, आप वहीं पे खड़े थे ना वहाँ चालान, पहले मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो, आप वहीं पे खड़े थे, आपने देखा वहाँ पे कितने सारे रिक्शे वाले खड़े हैं और आने जाने वाले को वहाँ पे परेशानी होती है, आप वो छोड़ के यहाँ पे आ गए, ऐसा क्यों? वहाँ मैंने चालान किए जो रोड के इस साइड थे और बाकी इस रोड को भी, वो गलत नहीं खड़े थे जो आप जहाँ पे आप खड़े थे, वो रिक्शे वाले दोनों तरफ खड़े हैं, वो गलत नहीं है? मैं वो लकड़ी लेके वार करूँ क्या उनके ऊपर, बताओ? मैं चालान ही तो कर सकती हूँ, चालान करना मेरा काम, उनको हटाने का काम नहीं है आपका? मेरा चालान करने का काम है, मैं चालान कर रही हूँ। आपका हटाने का काम नहीं है? मैंने उनको काफी बार हटा दिया लेकिन वो नहीं मान। अच्छा, क्या इलाज है फिर उसका? देखो अगर हेलमेट नहीं होगा आप तुरंत चालान कर दोगे किसी का भी, जिसके पास सीट बेल्ट नहीं लगा रखी है आप तुरंत चालान कर दोगे, हेलमेट नहीं है तो चालान हो जाएगा। वो लोग वहाँ पे खड़े हैं, एक आदमी ट्रैफिक में फंस जाता है, एम्बुलेंस फंसी रह जाती है, आदमी अपने प्राण गवा देता है, लेकिन वो रिक्शे वाले कभी नहीं हटाए जाते। उनका भी हम इम्प्रॉपर पार्किंग का चालान करते हैं, डेली नो एंट्री का चालान होते हैं, दिल्ली होते, लेकिन ये बार बार इतने ई रिक्शा है ढीट हो रहे हैं ये मानते नहीं, नहीं इसका कोई तो इलाज होगा। अगर आप ये बात कहोगे कि ढीट है तो इसका हमें जवाब देगा कौन, हटाएगा कौन इनको यहाँ से? मैं तो नहीं हटा सकता, सिविलियन तो कोई भी नहीं हटाएगा, आप ही तो, आपके पास ही तो जिम्मेवारी है ना, हटाते हैं लेकिन ये मानते नहीं है, इतने ई रिक्शा है कहाँ, कितने को उठाए? अब देखो ये मुझे कह रहे हैं कि ये अकेले हैं तो ये कहाँ से आता, तो आपके साथ और कोई स्टाफ नहीं होता है? यहाँ पे दो का स्टाफ और है। कहाँ है वो दोनों? वो इधर जाम लगता है तो उधर भी खुलवाना पड़ता है साइड में। कहाँ है वो दोनों, कहाँ है? नजर नहीं आ रही, हम आधे घंटे से देख रहा हूँ यहाँ पे कोई भी नहीं है, बताओ। पीछे वाली बत्ती पे जा रहे हैं रेड लाइट के ऊपर, तो वहाँ पे इसका मतलब कोई नहीं है? अगर यहाँ का स्टाफ वहाँ गए तो इसका मतलब वहाँ पे कोई नहीं है? भाई यहाँ 3-4 का स्टाफ होता है, तो उस लाइट को भी कवर करना पड़ता है, इस लाइट को भी कवर करना पड़ता है। इसका मतलब स्टाफ की कमी है? स्टाफ की कमी नहीं है। अब बताओ, आप ये कह रहे हो स्टाफ की कमी भी नहीं है, वो लोगों को वहाँ भी जाना पड़ता है, आगे जो नाला है ना उसके ऊपर भी जाम लगता है, उसको भी खुलवाना पड़ता है। तो वही तो कह रहा हूँ मैडम, इसका मतलब स्टाफ कम है, अगर यहाँ का स्टाफ कहीं और जा रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं स्टाफ की कमी है। अब यहाँ पे आप अकेले हो, आप ट्रैफिक को कंट्रोल करोगे, चालान काटोगे या रिक्शे वालों को हटाओगे, अकेले आप क्या क्या कर लोगे?
भाई मेरा जो काम है ना मैं वही काम अब मैंने अभी इनका चालान काटा रहे देख रहे हैं कि चालान काट रहे मर हटा ली रहे तो अभी इनमें इनकी क्या गलती हो मैं वही कर रहा ना मतलब आप अकेले हो क्या क्या कर लोगे आप अकेले बताओ ये बात हकीकत है ऐसे में क्या करना चाहिए जब आप चलान भी कर रहे हो देखो यहाँ पर ये खुद बता रहे हैं कि मैं चलान भी कर रही हूँ और ये भैया ने भी बताया कि हम चलान करें और उसके बावजूद भी ये नहीं हटा रहे हैं अब शायद आप अकेले हो अगर शायद आपके साथ और कोई होता पुलिसकर्मी तो शायद तुरंत हटा देते एंट्री नो इनकी बंद होनी चाहिए ये आने नहीं चाहिए दिल्ली में तो जाम नहीं लग सकेगा अगर ये चलेंगे तो जाम ऐसे ही लगेगा ऐसा भैया मैं बताऊँ ऐसा ही इनके पास ना तो कोई परमिट है ना किसी के पास लाइसेंस है ना इनकी कोई फिटनेस है हमारी गाड़ी जैसे ऑटो है ऑटो की फिटनेस होती है साल की साल के बाद उसको या तो फिटनेस ओके कराओ गाड़ी टिप टॉप कराओ तो चलेगी रोड पे नहीं तो नहीं चलेगी इसका चार सवारी बिठा ली पांच सवारी बिठा ली चलान होने के बाद इनको बंद करने का प्रावधान नहीं है आपके पास कि इनको बंद कर दिया जाए बंद करने का प्रावधान क्योंकि पिट में इतनी गाड़ियां पहले से ऑलरेडी जमा होती है ये देखो ना अगर अवैध तरीके से कोई गाड़ी घुसती है दिल्ली में इतनी जगह नहीं होती कि इनको बंद कर करके भर दें वो पहले से भरी पड़ी है इन ई रिक्शा के नहीं अगर इतनी नहीं है तो इनको नीलामी में डाल दो पुरानी गाड़ियां जो थाने के अंदर पड़ी रहती है उनको नीलामी में जगह अपने बन जाएगी फिर इनको डाल दो लेकिन अगर इस तरह से रहेगा ये ना ये सुधरेंगे ना आप सिर्फ चलान भर करते रहोगे ये भरेंगे नहीं आपको पता है गरीब आदमी कहाँ से भरेगा वो भी अब शीला दीक्षित सरकार में चैंपियन आए थे ये महिंद्रा के उन्होंने जब देखा इससे एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं शीला दीक्षित सरकार ने चैंपियन बंद करा दिए आज रिक्शा हाईवे पे अलाउ नहीं है लेकिन रिक्शा चलते 80 की स्पीड में 80 की स्पीड में गाड़ी आ रही है वो एक मिनट में आपके आगे आ जाएगा आप भी मरो और सवारी भी मरी और इनके पर कोई रोकथाम नहीं ये जो रिक्शा यहाँ पे अवैध तरीके से खड़े थे उसकी वजह से कितना जाम होता है इस जाम गैप पे पूरी दिल्ली जाम है सर पूरी दिल्ली जाम है ठाला वाला ये जो रोड है मेरी बात सुनो ये जो रोड है यहाँ पे आए दिन ट्रैफिक जाम होता है होता नहीं होता बिल्कुल होता है सर बिल्कुल होता है पूरा रोड इसी की वजह से जाम होता है आप यहाँ से आगे जाइए दो नंबर गेट पे मेट्रो रिठाला पे दो नंबर गेट पे जाइए तो इनकी तीन लाइन लगी होती है एक दो तीन ट्रिपल लेयर अब फिर गाड़ी निकलेगी कहाँ से अच्छा यहाँ पे ये पुलिस वाले कम हैं या नहीं है अभी जैसे कह रहे थे कि हमारा स्टाफ उधर भी लगा हुआ है उधर भी लगा हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पे कम है वाले कम है पर रिक्शे वाले जो लोग हैं ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा है लिमिट से ज़्यादा हो रखते हैं और एक तो इनका कोई पहली बात तो इनका कोई लाइसेंस नहीं होता ना बैच होता एक होता है अथॉरिटी आप एक चीज़ देखो ना भाई अगर आपकी गाड़ी में आप क्या चलाते हो ऑटो चलाते हो ऑटो चलाते हो अगर आपके पास कहीं पे एक्सीडेंट कर दोगे ना तो आपका ऑटो तुरंत थाने में जमा हो जाएगा नहीं हो जाएगा आपके पास लाइसेंस नहीं होगा आरसी नहीं होगा तो चलान हो जाएगा ये अवैध रूप से यहाँ पे खड़े हैं तो इन लोगों को हटाने की जिम्मेदारी किसकी है इन्हीं की तो होगी इन्हीं की होगी ना तो कमी किसकी है फिर यहाँ पर पुलिसकर्मी की पूरी पूरी है क्योंकि यहाँ पे खड़े होने चाहिए जितने कोशिश करोगे या जाम ना लगे जैसे रिक्शे की लेनिंग लग जाती है मुझे लगता है शायद अब हम लोगों ने यहाँ पे कैमरा ऑन कर दिया तो तुरंत वो एक्टिव भी हो गया अकेली थी तो बिल्कुल पहले नहीं थी दिल्ली के अंदर सारे काम होते हैं सर पैसा होना चाहिए जेब में सारे काम होते हैं मंथली से सारे काम चल रहे हैं यहाँ पे जो रिक्शे खड़े हैं मंथली लगवा रखे हैं बिल्कुल सर अगर मंथली बंद हो जाए तो यहाँ एक रिक्शा नजर सही कह रही है बिल्कुल राइट बात है मंथली से इस रोड पे बैन है रिक्शा अब मंथली से चल रहे हैं किससे चल रहे हैं मगर इस रोड पे अलाउ नहीं है ये देखो ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि इस रोड पर ये ई रिक्शा जो चल रहे हैं वो अवैध है और यहाँ पर बैन है और तमाम पूरी लाइन में यहाँ पे रिक्शे चले हैं और उसके बावजूद भी यहाँ पर देखो एक वो महिला पुलिसकर्मी अकेली है वो और वो अकेली भी क्या कर लेगी हमने कैमरा ऑन कर दिया तो यहाँ पर अब आपको खाली नजर आता जा रहा है कि भाई अभी अब खाली होने वाला है लेकिन वो अकेली एक महिला पुलिसकर्मी कर भी क्या लेगी लेकिन वो भी साफ तौर पर कह रहे कि हमारा जो स्टाफ है वो दूसरी जगह पे लगा हुआ है अगर वो दूसरी जगह पे लगा हुआ है तो इसका मतलब है उनके पास स्टाफ की कमी है चाहूंगा नए बच्चों को भर्ती की जाए रोजगार दिया जाए ताकि इन बच्चों को भी युवाओं को रोजगार मिल सके और जो यहाँ पर अवैध तरीके से यहाँ पर जो जाम लग रहा है वो कंट्रोल में होना जरूरी है वो अवैध तरीके से लग रहा है लोगों ने यहाँ पर यह भी बताया कि साफ तौर पर कि ये लोग पैसे लेकर के यहाँ पर मंथली लेते हैं रिक्शे वालों से तब यहाँ पर जो है रिक्शा खड़ा करवाया जाता है लेकिन निवेदन करूँगा यहाँ के DCP साहब से कि इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर ट्रैफिक जाम की समस्या बहुत ज़्यादा है और एक अकेली महिला पुलिसकर्मी यहाँ पर ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं कर सकती इसके लिए यहाँ पर स्टाफ बढ़ाया जाए और इस तरह के जो अवैध तरीके से जो रिक्शे यहाँ पर खड़े हैं उनको यहाँ पर जो है जल्द से जल्द हटाया जाए बाकी आपको मेरा प्रयास कैसा लगा उसको लेकर के कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा जय हिंद।